असल स्टूडेंट्स माय नेम इज सना खान और आज हम जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आईटी सब्जेक्ट्स दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को एग्जांपल्स के साथ आसान आसान तरीके से समझने की आज कोशिश करेंगे सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड द वैलिडेशन इज ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन इंश्योर दैट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट इज बींग बिल्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड वेलीडेशन इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट एक्चुअली मेड द यूजर्स नीड जी वेरीफिकेशन बेसिकली क्या होता है वेरीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमने गोल सेट किया हुआ है जो भी अपना ऑब्जेक्टिव या गोल्स सेट किया हुआ है क्या हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरह डिवेलप हो रही है या हम चाहते थे आपको आप वेरीफिकेशन आप को इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिस मकसद के लिए आप एक प्रो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या क्या वो प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरह बनी है क्या प्रोडक्ट में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये सब किस में आ जाता है वेरिफिकेशन में और दूसरा जो कंसेप्ट है वो है वैलिडेशन वैलिडेशन क्या होता है वैलिडेशन ये देखता है कि आपकी प्रोडक्ट जो बनी है वो ठीक तो बनी है लेकिन क्या वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी या नहीं यानी इसका मतलब यह है वेरीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ये चेक करता है कि जो भी प्रोडक्ट आपने बनाई है क्या वो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक बनी है या नहीं बनी और वैलिडेशन वैलिडेशन ये है कि क्या वो यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स है यूजर की जो नीड्स यूज़र चाहता था बिल्कुल वैसे ही बनी है या नहीं बनी उसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिफरेंस है दैट इज द प्रोसेस वेरिफिकेशन डिस्क्राइब्स वेदर द आउटपुट आर अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स और नॉट वेरिफिकेशन बेसिकली ये वेरीफाई करता है इस बात को चेक करता है इस बात को डिस्क्राइब करता है कि जो आउटपुट्स हैं वो इनपुट के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी लेकिन वेलीडेशन जो प्रोसेस है ये

आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट वेरिफिकेशन होता है कि क्या आप जो प्रोडक्ट बनाते हो वो बिल्कुल ठीक तरीके से बनाते हो या थोड़ी बहुत मतलब थोड़ी बहुत कमी रह जाती है क्या प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक बनाइए या गलत बनाइए ये ये कौन बताता है वेरिफिकेशन बताती है वैलिडेशन ये बताती है आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट बेसिकली वही बनाई है जो हमें बनानी चाहिए थी जो यूजर ने हमें रिक्वायर की थी यूजर ने हमसे डिमांड की थी क्या बिल्कुल हम वही प्रोडक्ट बना रहे हैं मतलब यह कि वेरीफिकेन ये है कि प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही काम कर रही है मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम है मैं मैं कहती हूँ टू और टू को ऐड करने के लिए आपने एक प्रोग्राम बनाना है तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया टू और टू को ऐड करने के लिए ठीक है ये है ये मैंने दो वैल्यूज को ऐड करने, करने।, करने के लिए एक प्रोग्राम बना लिया यूजर ने मुझे कहा था आपने टू और टू को ऐड करना लेकिन मैंने टू और थ्री को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बना लिया है इसका लेकिन प्रोग्राम मेरा बिल्कुल सही वर्क रहा है बिल्कुल सही वर्क रहा है इसका मतलब है ये वेरीफिकेशन है लेकिन देखना यह है कि यूजर ने मुझे टू और टू को जमा करने के लिए प्रोग्राम कहा था लेकिन मैंने तो टू और थ्री को जमा करने के लिए प्रोग्राम बना दिया इसका मतलब ये वैलिडेट नहीं है यूजर ये बिल्कुल काम तो ठीक कर रहा है लेकिन यूजर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि यूजर की यह डिमांड नहीं थी यूजर की डिमांड थी कि टू और टू को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाए तो वैलिडेट का मतलब ये होता है कि जो यूज़र ने आपसे जो डिमांड किया है कि आप बिल्कुल उसी तरह आप चीज़ बना रहे हो या नहीं बना रहे हो उसके बाद हमारे पास फोर डिफरेंस आता है अवेलुएशन आइटम्स प्लान्स रिक्वायरमेंट्स पैक्ट्स डिज़ाइन स्पैक्ट्स कोड टेस्ट केसेस एक्सेट्रा और वैलिडेशन में हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर के बारे में आता है नेक्स्ट है टेस्टिंग टाइप जो वेरिफिकेशन होती है ये हमारे पास टेक्टिक टेस्टिंग होती है और जो वैलिडेशन होती है ये हमारे पास डायनेमिक टेस्टिंग होती है नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरीफिकेशन इज डन बाय आ क्यू ए टीम क्यू ए का मतलब है क्वालिटी एश्योरेंस टीम वेरीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो होती है वो परफॉर्म करती है

ये बाद में परफॉर्म की जाती है मतलब यह है कि पहले यह देखा जाता है कि जो, कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाई है क्या वो प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई मशीनरी बनाई है तो क्या मशीनरी अपना काम कर रही है अच्छा ये होगी मेरे पास वेरिफिकेशन अब वैलिडेशन देखने है कि क्या मशीनरी वही काम करे है जो यूजर ने कहा था या वो कोई अपना अपनी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी करेक्टरिस्टिक यूजर के अकॉर्डिंग है ये चीज़ होती है वैलीडेशन इसका मतलब है वेरीफिकेशन हम पहले परफॉर्म करते हैं और वेलिडेशन हम बाद में परफॉर्म करते हैं द नेक्स्ट वन डिफरेंस इज टेस्ट लेवल वेरीफिकेशन जो होता है ये लो लेवल एक्सरसाइज है जबकि वैलिडेशन है ये हाई लेवल एक्सरसाइज है उसके बाद है एग्जीक्यूशन इट डज नॉट इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग द कोड वेरीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोड

इन मैथड्स को इस्तेमाल करता है अपने आ, अपने जो भी फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए आसान लफ्जों में मैं आपको डिफरेंट समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफिकेशन और वैलिडेशन का मिसाल के तौर पर आप एक पिज्जा शॉप पे गए हैं और आपने डिमांड किया कि आपका जो पिज्जा होना चाहिए वो Uh, मतलब कौन सा फ्लेवर होगा फ़जीता होगा चिकन होगा फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि कस्टमर गया है एक दुकान पे पिज़्ज़ा शॉप पर उसने कहा है कि मुझे ना चिकन वाला पिज़्ज़ा चाहिए उसके साथ 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 उसने ये भी डिमांड की है कि जो पिज़्ज़ा होगा वो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और वो लेस स्पाइसी होगा ये तीन डिमांड उसने की है जब ऑर्डर uh, करेगा वो पिज़्ज़ा जब कुछ देर बाद पिज़्ज़ा उसके पास आएगा वो देखेगा क्या वो चिकन पिज़्ज़ा है इसका मतलब है ये वेरीफ़िकेशन है कि मतलब उसने चिकन पिज़्ज़ा के लिए ऑर्डर किया था और चिकन पिज़्ज़ा उससे मिल गया ये क्या है वेरीफ़िकेशन है। लेकिन अब देखेंगे देखेंगे ये हम कि क्या बाकी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है, नहीं। मतलब चिकन उसने है चिकन उसने बना दिया। लेकिन क्या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया या उसने अपनी मर्जी से बनाया मिर्चें उसने कहा था हल्की रखनी है तो क्या उसने तेज रखी है या उसने कहा था टेस्ट गुड होना चाहिए या उसका टेस्ट अच्छा नहीं है ये सब चीजें आ जाती हैं वैलिडेशन में इसका मतलब है ऐसे एक ऐसा प्रोसेस है कि जो यूजर कह रहा है जो भी मतलब कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं बिल्कुल ठीक बनाते हैं ठीक है लेकिन अब देखना यह है कि वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं तो स्टूडेंट्स ये था आजकल हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है इस लेक्चर इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैलोस के साथ शेयर करें शुक्रिया